हेलो हाय गाइस, वेलकम टू एस वॉइस। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए RS 200। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल से 1.5 महीने से मेरे पास ऐसी बाइकें आ रही है, ख़त्म बाइकें बोल सकता हूँ या फिर एकदम कंडम बाइक, जैसे कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। तो वो मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि आजकल मेरे पास जो बाइकें आ रही है बहुत ज़्यादा कूड़ा बाइक, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी कितनी गंदी गंदी बाइकों को एकदम अनटच एकदम ओके की रिपोर्ट किया था। तो इसी तरीके से फिर से बाइकें स्टार्ट हो गई हैं आना, जो कि बहुत ही, जैसे कि आप सबको पता लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में लोगों की गाड़ियां खड़ी थी। अगर जिसके पास अच्छी पार्किंग है उनकी तो साफ़ सुथरी गाड़ी हो जाती है, बट जिनके पास पार्किंग नहीं है बाहर लगा देते हैं उनकी गाड़ी की तो हालत इतनी गंदी हो जाती है। अगर पेड़ के नीचे लगी है तो आप समझ सकते हो, अगर आपके पास बाइक है और आपकी भी बाइक पेड़ के नीचे लगती है तो क्या हालत होती है। तो ऐसी बाइक है और उसकी तो आपको पता लग जाएगा, मैं दिखा दूंगा अभी बाइक को कि क्या हालत है उसकी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और दोस्तों पर डे की नॉलेज लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो करें, वहाँ पर मैं स्टोरी के जरिए आपको नॉलेज देता रहता हूँ, काफ़ी नॉलेज देता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं नॉलेज नहीं देता। आप आओ इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर टैप करो, दबाओ उसको और सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर आओ और जो मेरे से नॉलेज मिल सके और मैं आपको वो नॉलेज दूंगा। सो गाइस, ये रही बाइक जिसके लिए मैं आपको बता रहा था। अब तो ये देखिए, इसकी हालत दिखाता हूँ मैं आपको और जो इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, आखिर इसके अंदर दिक्कत है क्या। तो सबसे पहले आप इसकी हालत देखिए, कंडीशन देखिए, देखिए पेड़ के नीचे लगाने की क्या हालत है। अभी तो इसके ऊपर से कवर निकाल दिया वरना उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंद मच रहा था। जैसे कि देखो बोरा राइट लेफ्ट में फुल चिड़ियों ने बीट वगैरह कर रखी थी, ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा गंद है, ये देखिए। और हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी नॉलेज देने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। कितने भाइयों को पता है कि जब FI बाइक के चाबी को ऑन करते हैं तो ये जो एक FI की जो अलार्म होता है या बोल सकते हैं साउंड होता है, जो मोटर चलने की जो आवाज़ आती है वो कितने सेकंड तक आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो 3 सेकंड तक एक आवाज़ आती है जो कि पंप चलने की होती है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं चाबी को ऑन, ये देखिए मीटर में लाइट नहीं आ रही, अब आ गई, ये देखिए आवाज़ सुनिए ध्यान से, आई होप्स कि आपको आवाज़ आ रही होगी। तो आपको समझ आया इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना ये इस साउंड को लेके है। और नॉर्मल बाइक में क्या होता है, ये जो है फ्यूल पंप की मोटर का साउंड आता है 3 सेकंड और फिर बंद हो जाता है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। तो यही वो मेजर प्रॉब्लम है कि आखिर ये साउंड क्यों आ रहा है, इसी के ऊपर पूरी वीडियो है, बिना स्किप करे हुए देखना, तसल्ली देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। यूट्यूब पर ये पहली वीडियो है जिसके अंदर आप चाबी ऑन कर रहे हो और पंप की मोटर चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, क्या चले जा रहा है, साउंड चले जा रहा है, साउंड 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 आ रहा है। तो करते हैं इस प्रॉब्लम को दूर और जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है पंप का कपलर, जो कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये है फ्यूल पंप का कपलर, इसके अंदर होती है रेड वायर, जो कि ये चॉकलेटी वायर आपको नज़र आ रही है, ये होती है मैन। तो आप देख सकते हो ये जो मैकेनिक के पास गए थे किसी के पास लेके, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, आखिर उन्हें पता नहीं लग रहा था उस मैकेनिक को कि इसमें दिक्कत किस में है, जिससे कि पंप नहीं चल रहा था। तो उस बंदे ने क्या करा, इसकी एक वायर लेके और जाके सीधा कंट्रोल स्विच की चॉकलेटी वायर में लगा दी, तो उससे क्या हुआ था, उनका पंप जो है कंटिन्यू चले जा रहा था, जैसे कि मैंने आपको इसका भी साउंड सुनाया था। तो ये जो एक प्रॉब्लम होती है उस बंदे को नहीं समझ में आया, बट उसने ये जो काम कर दिया ये कुछ टाइम तक ही सीमित है कि आप अगर फंस गए हो तो ऐसे डायरेक्ट करके अपने वर्कशॉप तक पहुँच सकते हो या अपने घर तक पहुँच सकते हो। तो उस बंदे को इतनी समझ थी, उसने ये सब कर दिया। और ये जो करने से क्या दिक्कत आती है वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप ये कराते हो फ्यूल पंप कंटिन्यू चलता रहता है तो इससे आपके फ्यूल पंप पे तो दिक्कत आएगी आएगी, हो सकता है आपके इंजेक्टर ख़राब हो जाए। और दोस्तों ये जो एक तरह से जुगाड़ कह सकते हैं, और FI गाड़ी के अंदर जुगाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ECM होता है। अगर ये कहीं वायरिंग टच हो जाती है या वायरिंग कोड अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपके मीटर में ECM लाइट जो होती है वहाँ पे वो लाइट कंटिन्यू आती रहती है, हो सकता है इसकी वजह से बाइक के अंदर और कुछ भी दिक्कत आ सकती थी। तो इसे जितना जल्दी हो सके कोशिश करें ऐसा काम ना कराएं, अगर 1% हो भी जाता है तो उसको फटाफट से गैराज जाकर फटाफट से या कंपनी सर्विस सेंटर जाकर इस फ्यूल पंप को चेंज कराएं, और चेंज कराने से पहले जो प्रॉब्लम है उसको दूर कराएं। पार्ट चेंज कर देना कोई बड़ी बात नहीं है,
पार्ट्स तो कोई भी चेंज कर देता है, जो मेजर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है जो नज़रअंदाज करते हैं उस प्रॉब्लम को पकड़ो ताकि फ्यूचर में वो दिक्कत ना आए। तो इसी के ऊपर होने वाला है काम कि आखिर FI कंटिन्यू क्यों चल रहा है, हमारा फ्यूल पंप कंटिन्यू क्यों चल रहा है। तो करते हैं फिर यहाँ पे और आगे देखते हैं क्या है काम निकलने वाला इस बाइक के अंदर और किसके अंदर प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ हम आपसे शेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, ये फ्यूल पंप यहाँ पे लगा लिया है ताकि हमें जो भी इसके अंदर की प्रॉब्लम है वो पता लग जाए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है मेन वायर है और जो कि फ्यूल पंप के कपलर की होती है, ऑरेंज पे हल्की धारी ब्लैक, मतलब ऑरेंज ज़्यादा है हल्का सा ब्लैक है। और इसको चेक करने का आसान तरीका है कि हमारी कोई इंटरनल वायरिंग डैमेज तो नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे हम पीछे आ जाते हैं, ये है यहाँ पे रिले, तो इसके अंदर से रिले में भी आपको चार वायरिंग नज़र आएगी। आपको सेम जो यहाँ पे कलर कोड है ना वही कलर कोड इसके अंदर ढूंढना है। और जैसे कि अगर ये तो आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज पे ब्लैक, तो ये वही वायरिंग है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था फ्यूल पंप की मेन वायरिंग। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका हम रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि इंटरनल हमारी वायरिंग डैमेज तो नहीं है, और करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम अपने मल्टीमीटर की मदद से ये आसानी से कर सकते हैं इस काम को चेक। और आपको मैं एक साउंड सुनाऊंगा जो वो आना चाहिए बीप का, अगर वो आता है तो हमारी वायरिंग ओके है, अगर नहीं आता है तो यानी कि हमारी इंटरनल वायरिंग जो है ये वाली कहीं ना कहीं से खींची हुई है, डैमेज है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले मल्टीमीटर की तरफ लेके चलता हूँ और सुनाता हूँ आपको इसका साउंड और वोल्टेज भी दिखाऊँगा। ये देखिए वोल्टेज कभी आ रहा है और कभी जा रहा है, और जो बीप की आवाज़ है वो कंटिन्यू है। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये जो हमारी वायरिंग है यहाँ से लेके रिले तक, मतलब कि हमारी वायरिंग एकदम ठीक है, मैन वायरिंग बोल सकते हैं इसे फ्यूल पंप की, ये वायरिंग हमारी पूरे पंप। उसके बाद हमारी जो बस्ती हैं ये दो रिले बस्ती हैं, ये देखिए आप। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो हमारी वायरिंग है ओके है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये हमारी फ़ैन की रिले हैं और ये फ्यूल पंप की रिले हैं। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ैन के रिले में ये जो आपको नज़र आ रही है दो लाल कलर के तारे, 12 वोल्टेज आना चाहिए और इसके आने के बाद जो है हमारे ये फ्यूल पंप की रिले में जाता है इसके अंदर। दोस्तों ये जो रेड कलर की वायर है जिस पर हल्का सा वाइट कलर आ रहा है, ये वायरिंग हमारी सीधी जाती है जो कि मैन फ्यूज़ होता है यहाँ पे। ये आपने देखा होगा मैन फ्यूज़ जिसे बोलते हैं बॉक्स, इसके अंदर ये जो रेड वायर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आती है और हमेशा इसमें 12 वोल्टेज आना चाहिए, यही हमें चेक करना है। तो चलिए दोस्तों करते फिर इसका वोल्टेज चेक। मैं लगा रहा हूँ, लगाओ। हाँ तो ये देखिए यहाँ पे 12 वोल्टेज आ चुका है, यानी कि हमारा जो है यहाँ से 12 वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है बीच में और दूसरी वायर में। तो इसका मतलब हमारी रेड कलर की जो वायर है ये हम भी हमारी एकदम से ओके है। तो अब चलते हैं सीधे हम अपने फ्यूल पंप की रिले के तरफ। तो देखो मैं यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ इस तरीके से और चेक करते हैं इसका वोल्टेज। ये देखिए तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये जो है मैन फ्यूल पंप की रिले है जो कि रेड है, रेड पे वाइट है और जो कि यहाँ पे भी रेड पे वाइट है। इसके अंदर जब 12 वोल्टेज आ रहा था तो इसके अंदर भी 12 वोल्टेज आना चाहिए, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा ये जो वोल्टेज है 12 वोल्टेज नहीं आ रहा है जो कि 8 वोल्टेज आ रहा है। तो यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो फ्यूल पंप की रिले है इसके अंदर दिक्कत है। तो इसको हम इस वायर को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा छीलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा छीलेंगे और चेक करेंगे आखिर इसके अंदर वोल्टेज पूरा 12 वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है और सिर्फ 8 वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब दिक्कत अंदर है। तो करते फिर इसको चेक। तो यहाँ पे मैंने जो पूरी वायरिंग है अपने जैसे कि देखा, जो ये रेड पे जो वाइट है हल्का सा, इसमें 12 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन जो अपनी फ्यूल पंप की जो रिले है इसके अंदर 12 वोल्टेज नहीं आ रहे, सिर्फ 8 वोल्टेज आसपास आ रहे हैं। तो मुझे इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पूरी वायरिंग छीननी पड़ेगी, और मैंने यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी वायरिंग यहाँ पे मैंने दे सकते हो छीन लिया। अब जो यहाँ पे ना जॉइंट होते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही वायरिंग के अंदर बहुत सारे जॉइंट होते हैं कोने कोने पे, जो कि एक कलर कोड काफ़ी वायरिंग के अंदर जुड़ के बन जाता है। तो ये ही वो फॉल्ट मुझे मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो, ये तीनों सेम कलर की वायर है, उनमें तीनों में सेम वोल्टेज आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा था, और यहाँ से जो मेन ECU से जो आ रही वायरिंग इसमें भी दो वायरिंग आ रही है,
और ये दोनों ये तीनों एक में जुड़ेंगे जो कि ये कंपनी में क्लेम दिया जाता है इस तरीके से। बट क्या हो रहा था मैं आपको दिखाऊँ, तो ये दिख रहे इसमें आ रहा है कार्बन, ये वायर जो आ रही है ये आ रही है हमारी फूल पंप की रिले के अंदर, और इसके अंदर नहीं आ रहा था वोल्टेज, आ रहा था कम, चूँकि देखो कार्बन आ रहा है, ये तार टूट रही थी और बाकी ये दो तार खींचने में बाहर आ गई हैं, तो ये भी टूटने वाली थी, अगर ये टूट जाती तो गाड़ी कुछ भी काम नहीं करती, फिर लगता जैसे कि हमारा ECU ख़राब है। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक ECU लगा हुआ है इस बाइक का, मैंने अपने पास से एक और अलग से ECU लगाया था, मैंने सोचा शायद इस बंदे ने काम करा तो इस तरीके से ये निकाल के ऐसे, तो मुझे लगा शायद ECU थोड़ी शॉर्ट हो गया, इसीलिए मेरे पास स्पेयर ECU था और मैंने इसको लगा के चेक कर लिया था, पर दिक्कत फिर भी ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने पूरी वायरिंग फाड़ी जैसे कि आपको बताया, और समस्या कहाँ निकली आपकी, यहाँ पे अक्सर ज़्यादा वायरिंग टूटती, क्यों, क्यों यहाँ पे होता है हमारा थ्रॉटल बॉडी, ठीक है, और पेट्रोल, जब पेट्रोल भी जाता है और इंजन ऑयल भी आता है तो ये वायरिंग यहाँ दबी होती है, इस तरीके दबके लगती है, तो जब फोर्स पड़ता है तो यहाँ पे जो है ना कार्बन, जब बाइक लेफ्ट साइड खींचती है वायरिंग ऊपर नीचे होती है तो उसमें घिसावट बनती है, तो ये कार्बन आके जम जाता है। ये कैसे जमता है, पेट्रोल, पानी, बैटरी पानी, इंजन ऑयल, मिट्टी, इन सब से इसको गला देता है, तो इसीलिए ये इसकी वायरिंग टूट गई है। तो चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं, और यहाँ पे देख लो मैंने ये एक्स्ट्रा अलग से वायरिंग लगाई है, इसको मैंने बड़ा करा है क्योंकि जो टूटती है ना वो तार छोटी थी, देख लो आ रही है, लेकिन फिर ही मैंने इस तार को इतना लंबा कर दिया ताकि ये जब इसमें एयर फिल्टर बॉक्स लगता है ये प्रॉपर नीचे बैठती है तो तार कहीं ना कहीं छोटी पड़ती है मेरे हिसाब से, हाँ, तो मैंने इसीलिए इसको तार को थोड़ा सा लंबा कर दिया, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर जॉइंट मार दिया है, अब सिर्फ यहाँ पे मारना बाकी है, उसके बाद मैं से पूरी इसको फिट करता हूँ और फिर आपको एक बार दिखाते हैं बाइक को स्टार्ट करके। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये थ्रॉटल बॉडी थोड़ी साफ़ कर दी जाए, क्योंकि जो इसकी हालत है वही बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी तो आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी टाइम से बाइक खड़ी है ना, तो बहुत सी चीज़ें गंदी पड़ी हैं, और इसमें उसके साथ बता दूँ बहुत सारे काम है जैसे सर्विसिंग वगैरह, ब्रेक पैडिंग वगैरह, क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल, सब चेक करना है, कोई भी दिक्कत लगी हमें ठीक करना है इसको पूरी गाड़ी को। और यहाँ पे जो मेरी वायरिंग थी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे टेपिंग पूरी लग चुकी है, वायरिंग प्रॉपर सेट हो चुकी है, यहाँ पर थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो चुकी है, एयर फिल्टर बॉक्स बैठ चुका है, साथ में उसका फिल्टर भी लग चुका है। तो चलिए मैं आपको बाइक को स्टार्ट करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से ही काम कर रही है, जो कि पहले क्या हो रहा था कि हम चाबी ऑन कर रहे थे तो ही फ्यूल पंप डायरेक्टली चले जा रहा था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो अब आपको सुनाता हूं, जो चाबी ऑन करूँगा और वैसे ही 3 सेकंड के लिए पंप चलेगा, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले करते चाबी ऑन। तो आपने आवाज़ सुन ली होगी, 3 सेकंड के लिए पंप चला, उसके बाद बंद। देख लो अब मैं करता हूँ बाइक को स्टार्ट। यहाँ पे जो बाइक है प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है, एकदम तैयार, जैसे जिस सीरीज से काम करना चाहिए प्रॉपर बाइक उसी सीरीज से काम कर रही है, और नहीं इसकी वायरिंग को कोई नुकसान है, नहीं इसकी ECU को कोई नुकसान है, और नहीं इसके इंजन को कोई नुकसान है। ये ज़रूरी है करना, अगर नहीं करोगे तो आपको बता दिया मैंने कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ पे होती है अपनी वीडियो कंप्लीट, फिर मिलते हैं आपको धमाकेदार नई वीडियो के साथ।